देश का सबसे चर्चित लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आपको याद होगा पिछले दिनों मोहब्बत की दुकान खुली थी, लेकिन इस दुकान में कई ऐसे दुकानदार बैठे हैं जो मोहब्बत की पैकेजिंग तले नफरत वाला प्रोडक्ट बेच रहे हैं। श्री रामचरितमानस के लिए अभद्र भाषा बोली गई, सनातन को समाप्त करने का संकल्प लिया गया और इतने पर ही इनका दिल नहीं भरा तो दिवाली के दिन जब दुनिया के करोड़ों सनातनी मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना आराधना कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने माता लक्ष्मी के बारे में बड़ी अभद्र बात बोली। नाम था इनका स्वामी प्रसाद मौर्य। इनके शब्द इतने शर्मनाक हैं कि इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और कहा कि चार हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, खुद कांग्रेस के ही बड़े नेता प्रियंका गांधी के एडवाइजर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को हिंदू शब्द से बेहद नफरत है। इतना ही नहीं, कुछ नेताओं को राम मंदिर से ही नहीं भगवान राम से भी नफरत है, ये कांग्रेस नेता ने कहा है। इसके बाद कांग्रेस में गृह युद्ध छिड़ गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को उल जलूल बता दिया है, तो जवाब में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी जोरदार प्रहार किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष हिंदू विरोधी सोच दिखाकर बीजेपी को मात दे पाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे जोरदार बहस, हिंदू विरोध सियासी प्रयोग। और आज के आर पार में एक बहुत बड़ा खुलासा, क्या कांग्रेस में कुछ नेता हिंदू विरोधी हैं और हिंदू विरोधी मानसिकता के हैं जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं? यह बयान अपने आप में बीच चुनावों में बहुत बड़ा है, यानी मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों के बीच यह बयान बहुत बड़ा है, 2024 के लिए चुनाव बहुत बड़ा है। आज का आर पार, आज का विषय इसी पर व्यूअर्स। कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नहीं करते हैं, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नहीं। सारी दुनिया जानती है राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए। आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस बयान पर बाहर तो बाहर, कांग्रेस के भीतर भी घमासान छिड़ गया। उल जलूल लोगों के बयानों पर मत जाइए, ये देखिए। सुरजेवाला ने पलटवार किया तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पहले से भी ज्यादा तीखा प्रहार किया। लेकिन इसी बीच हिंदुत्व के खिलाफ सुपारी लेकर घूम रहे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने माता लक्ष्मी पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा, चार हाथ, आठ हाथ, दस हाथ, बीस हाथ, हजार हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ, तो फिर चार हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? तुष्टिकरण की राजनीति करते करते ये लोग इतने अंधे हो गए हैं। जितने भी इंडी अलायंस के घटक दल हैं, इनका केवल एक ही काम है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द कहो। जो इनके सर्वोच्च नेता हैं, उनके मुंह में दही जम जाती है और वो एक शब्द नहीं बोलते हैं। माता लक्ष्मी का अपमान सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है। बहुत ऐसी भी बेटियां हैं कि जो विकलांग हैं, कुछ ऐसी बेटियां हैं कि उनको हाथ ही नहीं है, किसी को एक हाथ है, तो क्या वो बेटी नहीं है? उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी महादेव के बहाने कांग्रेस पर प्रहार किया है। ये जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बटने के आरोप है। मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हिंदुत्व और हिंदू देवी देवताओं को कोसकर सियासी जमीन मजबूत की जा सकती है? इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, हिंदू विरोध सियासी प्रयोग।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए सीधे चलते हैं मैजिक वॉल पर, हिंदुत्व के खिलाफ सियासी सुपारी का विश्लेषण। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के बड़ा चेहरा, हिंदू विरोधी बयानों की सीरीज जारी है, लेकिन अखिलेश खामोश है और इस बार तो माता लक्ष्मी के बारे में अभद्र बातें बोली है इस व्यक्ति ने। वर्तव में आ गया आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के कुछ नेताओं को हिंदू शब्द से नफरत है, कुछ नेताओं को भगवान राम से भी नफरत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस का जाना माना चेहरा, कद्दावर नेता, इनकी ये बयान और बयान का खंडन नहीं किया न मल्लिकार्जुन खड़गे ने, न श्रीमान राहुल गांधी जी ने, न मैडम गांधी जी ने, तो क्या मायने है इसके? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बीच चुनावों में यह बात बोली है, इसका क्या दूरगामी परिणाम होगा? क्या 2024 के चुनाव पर इसका असर आएगा? यह देखने वाली बात होगी। मैं बढ़ता हूं आगे, प्रोफेसर चंद्रशेखर, श्री रामचरितमानस के लिए अभद्र भाषा बोली और खामोशी नीतीश कुमार की। बढ़ता हूं मैं आगे, उदय नीतीश स्टालिन, सनातन को समाप्त करने का संकल्प लिया, तमाम नेता खामोश हैं, लालू यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश बाबू, कोई विरोध नहीं कर रहा, सब खामोश है। बड़ा सवाल, क्या इंडी गठबंधन के नेता 80 में बंटवारे का एजेंडा चला रहे हैं? क्या 80% आबादी जो कि हिंदू आबादी है उस पर बंटवारे का एक एजेंडा चला रहे हैं जिसके नीतिगत ये काम हो रहा है और जिससे परेशान होके आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी अपना मुंह खोल दिया है और जिस पर बीजेपी ने भी रिएक्ट किया है, कांग्रेस ने भी रिएक्ट किया है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मैजिक वॉल में इस समय है मेरे साथ इस चर्चा में, विवेक श्रीवास्तव है लेफ्ट के आइडियोलॉग मेरे साथ, तारिक अहमद है समाजवादी पार्टी के नेता, दुष्यंत नागर है कांग्रेस के समर्थक है, कांग्रेस के विचारक है और राजनीतिक विश्लेषक है। आपका भी अभिनंदन है सर इस चर्चा के अंदर। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ विवेक जी हैं। विवेक जी मैं आपका रुख करता हूं, वो कहते हैं कि राज को राज रहने दो, लेकिन राज और भेद दोनों खुल गए, एक एक करके हिंदू विरोधी बयान और अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पूरा भेद खोल दिया कि कांग्रेस में तो कई नेता राम के विरोधी हैं, सनातन धर्म के विरोधी हैं। जी देखिए, मैं इसको इस तरीके से लेता हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आइडियल तो यही होता कि उसका उत्तर कांग्रेस पार्टी देती, लेकिन अब आप ये भी देखिए कि हो सकता है कि वो एक धर्मगुरु भी हैं, तो वो एक तरीके से राजनीति और धर्मगुरु दोनों में थोड़ा सा बटे हुए हैं। कुछ बयान जिनसे हो सकता है उनको व्यक्तिगत दिक्कत हुई हो, उसके एक आक्रोश में, उसके एक आउटबर्स्ट में उन्होंने ये बोला। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि कोई भी पार्टी किसी भी धर्म के खिलाफ है। हाँ, हम लोग धर्म के मिसयूज के खिलाफ हैं, चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी पार्टी हो, INDIA के घटक दल जो है हमारा, हम धर्म के नाम के मिसयूज के खिलाफ हैं, राम के नाम के मिसयूज के खिलाफ हैं। मैंने कहा था उस दिन भी कि 21 लाख दियों में तेल जलाया जाएगा, इसलिए नहीं कि राम की भक्ति करनी है, इसलिए कि राम के नाम पे स्टंट करके वोट बटोरने के लिए 2024 आ रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। और जो जातियां हैं जिनको सैकड़ों वर्षों से दबाया गया, कुछ जातियों की बात कर रहे हैं, यहां पर राम का विरोध हो रहा है, यहां माता लक्ष्मी के आठ हाथ के साथ माता लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई यह बात कही जा रही है, आप कमाल की बात कर रहे हैं। और मेरे साथ दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है, उनका भी अभिनंदन है। और मैं रुक करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का, सुधांशु त्रिवेदी, आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बयान और स्वामी प्रसाद मौर्य का दिवाली के दिन जब मां लक्ष्मी का पूजन होता है, यानी कल शाम जब लोग माता लक्ष्मी की आराधना पूजा अर्चना कर रहे थे, तब स्वामी प्रसाद मौर्य ये सवाल पूछ रहे थे, ये माता लक्ष्मी के कैसे पैदा हो गई आठ हाथों के साथ? और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो भेद ही खोल दिया कि कांग्रेस के कुछ नेता हिंदू शब्द से नफरत करते हैं, इतना नहीं प्रभु राम से भी नफरत करते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए, और अब याद करिए 2022 के चुनाव में इन्होंने बड़ी बड़ी डींगे हाकी थी कि मैं जिधर आता हूं सरकार वहीं रहती, मैंने भाजपा छोड़ दिया, अब सपा में आ गया तो अब सत्ता इनकी आ जाएगी, और हालत ये रहा कि अपना चुनाव भी हार गए। तो वो बसपा में रह चुके हैं, वो भाजपा में रह चुके हैं, अब सपा में हैं, यानी घाट घाट का पानी पीकर इधर उधर घूमते हुए उनकी स्थिति ये हो गई कि अब ना घर के रह गए ना घाट के। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विक्षिप्तता में वो इस प्रकार के बयान देते चले जाते हैं, परंतु मैं इसको विक्षिप्तता नहीं कहूंगा, ये एक योजना है।
क्योंकि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत साफ करना चाहिए कि वो हिंदू धर्म में हैं या हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं। मेरी जानकारी के अनुसार वो हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं, और जो व्यक्ति धर्म छोड़ चुका हो उसे दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने से बाज आना चाहिए, अन्यथा ये सीधे सीधे दूसरों की धार्मिक भावना को आहत करने ये हेट स्पीच है, क्योंकि आप ये हेट स्पीच है जो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। बस अगर कोई दूसरे के बारे में बोलता है तो ये हेट स्पीच, और यहां हेट स्पीच नहीं है, इसमें एक हेट एजेंडा है जो शुरू होता है चेन्नई में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म से लेके, यानी हिंदू धर्म के समूल नाश से लेके, फिर कर्नाटक में कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बोलता है हिंदू शब्द गंदा है, फिर कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता जो केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं हिंदू बोको हराम, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान वगैरह वगैरह बोल चुके हैं, अमेरिकन अधिकारियों के सामने तक जाके बकौल विकिलीक्स, मैं ये नहीं कहता हूं वो सच है, राहुल गांधी बोल चुके हैं कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है, मुस्लिम आतंकवाद खतरा नहीं है, पर आज तक उन्होंने खंडन नहीं किया। मैं नहीं कह रहा उसमें जो लिखा है वो सारा का सारा सच है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो बोला है इसे जानते हो मैं क्या समझता हूं, अमित जी इकलौते हिंदू धर्माचार्य बचे जो उनकी तरफ, मैं याद दिलाना चाहता हूं श्रीराम जन्मभूमि का जब आंदोलन शुरू हुआ था अप्रैल 1987 में, मैं अयोध्या में राम की पैड़ी पर सरयू तट पर उस रैली में गया था, तो महंत रामचंद्र दास जी ने, अब तो वो सुधिशेष हैं वो नहीं है, उन्होंने कहा था कि भाई राजीव गांधी जी सुन लीजिए, राजीव का अर्थ होता है कमल, और भगवान राम सूर्यवंशी थे, जब सूर्य की तरफ देखता है तो कमल खिलता है, और अंधकार में या जब चांद सितारे की तरफ देखता है तो कमल मुरझा जाता है। संतों की बात नहीं सुनी थी राजीव गांधी जी ने, क्या स्थिति हुई, क्या गति हुई, क्या दुर्गति हुई, ये सबको पता है। अब जो इकलौते धर्माचार्य बच गए थे उन्होंने भी ये कह दिया तो मुझे लगता है तो पूरा कंप्लीट हो गया, जिसे कहते हैं ना पाप का घड़ा भर गया, अब किसी के लिए यहां सांस लेने लायक ही देश चलाएंगे लगता है। इसीलिए एक धर्म हिंदू धर्म के लिए पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर मंत्री देश नहीं चलाएंगे, धर्म गुरु राम मंदिर के खिलाफ ये लोग कोर्ट गए थे, सॉरी चुनाव आयोग गए थे, मगर हमास के लिए इनकी बुरहानपुर में कांग्रेस की प्रत्याशी ने अपनी चुनावी सभा में मौन धरवाया। इन्हीं सब प्रत्याशियों ने जो के लिए हम मौन जो हमास और मगर आज तक कभी बताइए कि राम मंदिर के कार सेवकों के लिए इन्होंने मौन धरा हो, इसलिए वो उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक स्थापित चीज है। और अब आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान के बाद दूध का दूध पानी का पानी जी, विवेक श्रीवास्तव आप क्या कह रहे थे, हिंदू धर्म धर्माचार्य क्या देश चलाएंगे? नहीं नहीं आप देश क्या धर्माचार्य चलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दीजिए, फिर वही बदलना आप चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी। अब मैं किसी धर्माचार्य चाहे इस्लामिक धर्माचार्य हो हिंदू धर्माचार्य हो उससे इंस्ट्रक्शन लेकर के आप क्या देश चलाएंगे? और यहाँ फियर साइकोसिस आप पैदा कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के, आप धर्म का डर धर्म गुरुओं का डर ये जरा दिखाना बंद करें। आप खुद इंजीनियर हैं पढ़े लिखे आदमी हैं, थोड़ा सा कांग्रेस के नेता है अमित जी और कल की पीठाधीश्वर भी है भाई, हम नहीं कह रहे धर्म अगर कोई विवेक जी चलिए लॉन्ग टर्म चीजें आप भूल जाते हो, ये शॉर्ट टर्म भी भूल जाते हैं। अभी आपने क्या वाक्य बोला कि किसी धर्माचार्य से चाहे वो मुस्लिम धर्माचार्य हो या हिंदू धर्माचार्य हो उनसे हम निर्देश लेकर नहीं चलाएंगे। ये पिछले बंगाल के चुनाव में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीर ज्यादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ, अरे भाई इलेक्शन लड़ना कम्युनिस्ट पार्टी और निर्देश लेना दो अलग चीज होती है। आप बैठे हैं इलेक्शन योगी भी लड़ रहे हैं, मतलब फुरफुरा शरीफ का गद्दी नसीब पीर ज्यादा एक्टिविटी घोषित धर्म कायदा बनाना अलग चीज है, उसके साथ गठबंधन करे तो उनकी कदमबोसी करेंगे, और कांग्रेस के अंदर धर्माचार्य है आप पब्लिक को कह रहे हैं साहब डरो, ये ईश्वर से डरो और ईश्वर के प्रतिनिधि है धर्माचार्य, ईश्वर से डरना भला डरे हुए लोग चुका हूं, अरे ईश्वर डर डर के सारे लोगों को और कह रहे वोट नहीं दोगे तो धर्माचार्य के विरोध में बीच में बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, आते भी हैं और अपने ही रायता फैला देते हैं, वरना साफ साफ जवाब दीजिए। नहीं नहीं पीर ज्यादा ईश्वर का डर दिखाना बंद करें ना, बीजेपी को वोट नहीं दोगे किया था तो ईश्वर नाराज, फिर धर्मगुरु नाराज, फिर धर्मगुरु गद्दी नशीन के साथ गठबंधन क्यों किया था, जाओगे इसलिए बीजेपी को विवेक जी विवेक जी अरे धर्मगुरु के साथ आपने धर्मगुरु के भाई भाई क्या बोल रहे हैं, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ आपने गठबंधन क्यों किया था बंगाल के चुनाव में जी, आप तो कहते धर्म अरे भाई इलेक्शन लड़िए लड़वाइए बहुत बढ़िया, उसका डर तो ना दिखाएं यहाँ पे, अब बहुत बढ़िया
मैंने सिर्फ ये पढ़ा था आप कह रहे गद्दी मशीन के साथ इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन इलेक्शन जीतिए, नहीं नहीं लेकिन उसके बाद ईश्वर की खोज में मतलब कुछ कोर कसर नहीं छोड़ी, इलेक्शन का फायदा ले लो फिर इनको सबको तिलांजलि दे दो, यही कहा ना आपने, यही बात तो आचार्य आज कह रहे हैं, यही बात तो आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि वैसे तो हिंदुओं से नफरत है, वैसे तो राम से नफरत है, लेकिन इलेक्शन में हिंदू हिंदू राम राम करते हैं, यानी आपको इलेक्शन में तो गद्दी नशीन चाहिए लेकिन उसके बाद उस गद्दी नशीन की इज्जत नहीं करनी आपको, कोई नहीं चाहिए, अरे एक के तो ओके रहिए कम से कम, एक तरफ तो रहिए आप लोग, इससे बड़ा क्या होगा जो आपने भी बोला, मिनिमम प्रोग्राम के गद्दी नशीन के साथ चुनाव लड़ना जायज है, मिनिमम प्रोग्राम के तहत लड़े थे आपने, बोला गद्दी नशीन के साथ चुनाव लड़ना जायज है, ओके होल्ड ऑन सुधांशु त्रिवेदी, गद्दे मशीन के साथ गठबंधन ठीक है लेकिन बाद में तिलांजलि दे देंगे, चुनाव में मंदिर मंदिर राम राम ठीक है लेकिन बाद में नहीं पूछेंगे, एक सेकेंड ना उनके हिसाब से जो हुआ वो हुआ एक और ना उनका डर दिखाया किसी को, एक सेकेंड अभी आपने देखिए कई बार बातों में सच्चाई निकल सारे धर्मगुरु अलग हो, ओके व्यूअर्स अ बिग थिंग हैड हैपेंड ऑन आर पार, बहुत बड़ी बात हुई है, सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड टू दिस, अब बचा क्या है बचाने को, ढका क्या है ढकाने को, देखिए कहानी खोल दी पूरी, देखिए बहुत, अरे भाई इनको पता नहीं ध्यान नहीं है मान्यवर, अब आप शांत रहे तो जवाब देता हूं, आपने के मुंह से क्या निकल गया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इस्लामिक मौलाना के साथ हो सकता है, है? यही तो आपने बोला ना, और किसका हो सकता है, कोई भी पार्टी आएगी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, जनता के सामने जाके इस्लाम के अनुसार अगर कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता तो वो शिर्क है, वो शिर्क है भाई, और आज तक दुनिया में पहली कम्युनिस्ट पार्टी होगी जिसने धर्म गुरु के साथ ये किया, जबकि मैं एक और ईमानदारी से बात बता दूं, मैं पुनः कह रहा हूं भाई विवेक जी को इन डिबेटों में आने से परहेज करना चाहिए, फिर भी आप आ गए हैं तो आपकी पार्टियां तो वो हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों ने तो दुनिया के तमाम देशों में मस्जिदों को तोप लगा के उड़ाया है, बाकायदा डिस्ट्रॉय कर दिया है, किसी ने और आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, मगर आप अपने लिए पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी से गठबंधन करते हैं, जब पूछे ये सुनिए, अरे ये बताइए आप लोग रोजा अफ्तार में जाते थे कि नहीं, तो वो अरे सुनिए रोजा अफ्तार में जाते थे कि नहीं, दुष्यंत नगर, अरे बताइए रोजा अफ्तार में जाते थे कि नहीं, दिया जलने में तो बहुत दिल में दर्द, अब आपको काफी देर हो गई अपनी बात को रखते हुए विवेक जी, अरे दिया जलने में तो इनके दिल में आता कहीं दीप जले कहीं दिल, सुनिए दीप जलने में तो इनके दिल में आता कहीं दीप जले कहीं दिल, पर मंजिल है क्या, जहां पे इफ्तार हो वो तेरी मंजिल, पूछिए भाई अगर धार्मिक कार्यक्रमों से परहेज रखते थे इफ्तार कहां जाते थे भाई, कम्युनिस्ट पार्टी का लगता है कि अरे इफ्तार में मंजिलों की बात हो रही है, अब ऑडियो डाउन करिए ये साहब, विवेक जी लगातार बोल रहे हैं, दुष्यंत नागर जी मंजिलों की बात हो रही है लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को हिंदू शब्द से नफरत है, कुछ नेताओं को भगवान नाम से भी नफरत है, और आचार्य प्रमोद कृष्णम उलझुल व्यक्ति हैं, नहीं मैं आपके सारी बातों के जवाब देता हूं, मैं ऐसे नहीं आया, पूरी तैयारी के साथ आया, लेकिन आपने तो मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ संबंध कर दिया, तो मैं अब इस विषय पे कैसे बोलूं, कैसे चर्चा, आप अपनी बात को रखिए, नहीं तो मैं तो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, इसलिए मैं अब आपकी डिबेट में आगे हिस्सा नहीं ले सकता, ये मजबूरी है मेरी, मेरे को जाना पड़ेगा, पर आप अपनी बात तो रख सकते हैं, नहीं मैं अपनी बात अब कैसे रखूं, आपने शुरू में बोल दिया कि भाई ये कांग्रेस का मतलब मैं तो हूं नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, पर आप अपनी बात तो रखिए, नहीं मैं रखता ऐसी बात नहीं है, मैं बताता देश को कि किस प्रकार से, माइक तो लगाइए, बात तो रखिए, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने संतों का सम्मान किया है, कैसे 71 में रामानंद शास्त्री जी को बिजनौर से लोकसभा में इंदिरा जी ने पहुंचाया, कैसे ब्रह्मानंद जी को हमीरपुर से एमपी बनाया, किस प्रकार से संतों के लिए क्या नहीं किया, आचार्य जी क्यों कह रहे हैं, नहीं तो अब लेकिन अब ये होता, अब फिर किसी दिन मिलेंगे तो फिर बताएंगे, अब ऐसे नहीं होता है ना सर, कह के आप किसी चीज के लिए बुलाओ और फिर आप दूसरी पॉलिटिकल, चलिए आपका है लेकिन अब मैं रुक करता हूं, मेरे साथ लारी साहब है उनका रख करता हूं, तारिक अहमद लारी मैं आपका रुक करता हूं, तारिक अहमद लारी क्या आपको लगता है ये स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने प्लानिंग के तहत पार्टी में भेज रखा है और आप उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं, माता लक्ष्मी के कितने हाथ होते हैं, वो कैसे पैदा हुई, क्या आपको लगता नहीं है ये वाकई हेट स्पीच है,
देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, हेट स्पीच तब होती जब तारिक अहमद लारी कोई कमेंट करता। अभी सुनते रहिएगा मेरी बात, बीच में ना कहिएगा जी। दूसरी बात, जैसे हम लोग के लिए बीजेपी बोलती वैसे सुधांशु जी ने आज बोल दिया कि ये हिंदू नहीं है। अब ये तय करेंगे कि पिछड़ा वर्ग हिंदू है कि नहीं है, क्योंकि इनको ये मालूम है, क्योंकि ये ब्राह्मण है तो बात, दूसरे तो हिंदू है ही नहीं, पिछड़ा वर्ग तो हिंदू है ही नहीं, चार ही वर्ण आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो चौथा वर्ण तो बढ़ना चलो इनके हिसाब से हिंदू नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, आज आज जितने पिछड़े वर्ग के हैं, जितने शेड्यूलकास्ट है, सब सुन लें कि बाकायदा बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी ने चौथे वर्ण व्यवस्था में चौथी जो पिलर है उसको कह दिया कि वो हिंदू नहीं है। जैसे हम लोग के लिए कहा जाता है कि हम लोग गद्दार हैं, हम लोग पाकिस्तान चले जाएं। दूसरी बात, वो हिंदू हैं कि नहीं है ये सुधांशु जी नहीं तय कर सकते। एक हिंदू ने क्या बयान दिया है आप उनसे पूछिए। और ये बात उन्होंने कही कि माता, अगर आप अपने घर की वाइफ को या बच्चियों को आप अच्छा ट्रीट करें तो वही लक्ष्मी नहीं, तो एक बात बताइए, आप अपने आप घर अपने घर, घर की बेटी ही लक्ष्मी स्वरूप होती है। अपने घर में अपनी अपने परिवार की बच्चियों को, वाइफ को, माओं को अच्छे से ट्रीट करें, लेकिन उसका माता लक्ष्मी से क्या लेना देना है? माता लक्ष्मी आठ हाथ के साथ कैसे पैदा हुई? क्यों आप वो माता लक्ष्मी का अपमान क्यों करेंगे? मेरा सवाल ये है, क्या किसी और धर्म के साथ ऐसा कोई कर सकता है? देखिए जवाब है नहीं। कोई करेगा तो नारे लगते हैं किस तरह के, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हुआ भी है हमारे देश में। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए भाई जी, आपने इनकी बात पकड़ ली, आप एक और भी तो बात पकड़ी है कि आज मोदी जी ने बाकायदा महादेव ऐप को लेकर महादेव के ऊपर क्या बोला, मुझे बहुत नागवार गुजरा। मैं महादेव भक्त हूं, मैं महादेव भक्त, ये देख लीजिए आपके सामने है, श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम श्वेत चंद्रम विभूषितम नीलकंठम चंद्राहिधरे देवाधिदेवम नमस्तुते, मैं हूं महादेव भक्त। तो इस तरह की भाषा अगर उन्होंने मोदी जी ने की है तो सुधांशु त्रिवेदी जी के हिसाब से वो भी हिंदू नहीं है, क्योंकि उन्होंने मजाक उड़ाया महादेव ऐप। ये तरीका है महादेव जी का नाम लेने का? ये कोई तरीका नहीं है। आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वेरी गुड, आपने तो वही बात कही। आपने क्यों नहीं कमेंट किया अपने नेता के ऊपर, अपने हिंदू हृदय सम्राट बादशाह वक्त महाराज धीराज मोदी जी के ऊपर क्यों नहीं आपने कमेंट किया तुरंत की महादेव ऐप के नाम पे जो इन्होंने महादेव का मखौल उड़ाया है वो बहुत गलत किया है? क्यों नहीं इन्होंने तुरंत उसको रिएक्ट किया? क्यों नहीं इन्होंने इस्तीफा दिया? हर चीज पर ये चिल्लाते हैं कि ये कर दिया ओपोजिशन ने, वो कर दिया। इनके नेता जो करे वो रासलीला है, लेकिन अगर जरा सा ओपोजिशन कुछ कह दे या कुछ बोल दे तो कैरेक्टर ढीला हो जाता है। ठीक है, सुधांशु जवाब, सुधांशु जवाब, एक 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 सेकंड, वेरी गुड, सुधांशु जवाब, वेरी गुड, सुधांशु त्रिवेदी, तारिक अहमद जी की बात का जवाब। मुझे लगता है कि लारी साहब शायद अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में जानकारी नहीं लेके आते। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने रिलीजन वाले खाने में हिंदू भरते हैं, वो अपने को बहुत पहले हिंदू धर्म से अलग कर चुके हैं। अब आपको नहीं याद है तो उसके लिए कोई क्या करा जा सके? दरअसल मुझे उनका उनका एक सेकंड, सुधांशु आपके बीच में नहीं बोले, तारिक अहमद फॉलो द प्रोटोकॉल, सुधांशु त्रिवेदी आपके बीच में नहीं बोले, जो कह रहे हैं स्वयं जानकारी ले लीजिए, ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, इसमें कोई व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म बहुत पहले छोड़ चुके हैं, इवन जब वो बसपा में थे उसी जमाने में छोड़ चुके हैं। यदि आपकी जानकारी पुख्ता नहीं है तो आपको व्यक्तिगत आक्षेप करने से बचना चाहिए। और जहां तक आपने ये बात कही इसमें हंसने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात खुद आपने अपनी स्थिति हास्यास्पद बना ली है कहके। और रही बात इसकी कि कौन किसी को पाकिस्तान जाने के लिए कहता है, ये तो नहीं कहता, मगर इस देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। हाँ, अब लगने बंद हो गए हैं, मगर जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे तो कभी आपकी पार्टी वालों के मुंह से आज तक एक स्टेटमेंट दिखा दीजिएगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वालों के खिलाफ कुछ बोला हो। तो इसलिए वो स्थिति बहुत स्पष्ट है, इसलिए मैंने बात कही। स्वामी प्रसाद मौर्य से व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, वो तो एक मोहरा मात्र है एक लार्जर डिजाइन का, जिसमें देशी और विदेशी बहुत सारी शक्तियां शामिल हैं। शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को खुद भी ना पता हो कि मैं अनजाने में या जाने में, ये तो वो जाने कि इस चीजों का मोहरा बन रहा हूं। अगर जॉर्ज सोरेस जैसे लोग बैठ के कहते हैं कि वो $1 बिलियन खर्च करने के लिए तैयार हैं भारत के अंदर, मैं पूछता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य ने के लिए मोदी जी की सरकार को, तारिक अहमद आपने बोला महादेव के, आपने बोला मैं महादेव का भक्त हूं, ये देखिए मैंने रुद्राक्ष को धारण कर रखा है, रुद्राक्ष आपने धारण कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, आप महादेव के भक्त हैं, अच्छी बात है, लेकिन माता आपकी पार्टी के नेता नहीं माता लक्ष्मी का अपमान क्यों करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं।
नहीं नहीं मैं एक बात और कह दूं अमीश, एक बात, सारी बातें एक सेकंड, एक सेकंड सुधांशु, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड में आ रहा हूं। सम्राट के ऊपर इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, पहली बात, मैं आ रहा हूं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, मैं उसी पॉइंट पे सर आ रहा हूं कि इन्होंने अपने हिंदू हृदय सम्राट के पॉइंट पे कोई कमेंट नहीं किया, जो इन्होंने महादेव का नाम ऐसे लेकर उनके मखौल उड़ाया जो नहीं करना चाहिए था। महादेव की नगरी में, महादेव के में इन्होंने जाकर इस तरह से मखौल उड़ाया, बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, आप मौर्य जी के लिए कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म त्याग दिया जब वो बीएसपी में थे, मैंने तो अभी तक नहीं सुना, ये मुझे नई बात बता रहे हैं। मौर्य जी ने हिंदू धर्म त्याग दिया, लेकिन उनकी बिटिया जो इनके सांसद है वो अभी तक हिंदू है। राहुल गांधी हिंदू नहीं है जो एक ही दादी से है, नस्ल चली आ रही है, लेकिन वरुण गांधी हिंदू है जो एक ही नस्ल से चले आ रहे हैं। ये लॉजिक मुझे नहीं समझ में आता, ये लॉजिक लाते कहां से है सुधांशु जी? आप लोगों को लॉजिक भी लाना चाहिए तो प्रॉपर लॉजिक लाइए। माता लक्ष्मी के लाइए, माता लक्ष्मी की पैदाइश, माता लक्ष्मी की पैदाइश के बारे में बोल रहा हूं, क्या लॉजिक बात है? एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, एक सेकंड, उसी तारिक अहमद आप इधर उधर की बात मत करिए। माता लक्ष्मी की पैदाइश के बारे में बोलना क्या लॉजिक है? फिर वरुण गांधी पे आ जाते हैं, वरुण गांधी कहां से आए, क्यों आए? पॉइंट पे आ रहा हूं सर, इनका भी तो जवाब देना जरूरी है। आप क्या चाहते हैं मैं इनकी बातों का जवाब ना दूं? मेरी बात का तो जवाब देंगे ना, कहूं मैं आपसे तीसरी बार सवाल, तीन बार सवाल जवाब दूंगा, चौथी बार आप, लेकिन इनकी बात का भी तो जवाब देना जरूरी है ना। माता लक्ष्मी की पैदाइश पूछने का अधिकार किसने दिया स्वामी प्रसाद मौर्य? मेरी बातों का समाजवादी पार्टी के नेता को किसने दिया अधिकार कर रहे हैं? सर मेरी बात तो सुन लीजिए। जी सर बात सुन लीजिए, मेरी बातों का जवाब वो नहीं दे पा रहे, लेकिन सवाल आप दूसरा नया कर दे रहे, तो अब मैं उस पर भी जवाब देता हूं। देखिए, जो उन्होंने कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बकौल सुधांशु जी के, वो हिंदू नहीं है, तो मुझे पहले सुधांशु जी दिखाएं कि वो हिंदू नहीं है। मैं जानता हूं कि वो हिंदू है। एक हिंदू ने अपने धर्म पर क्या टिप्पणी की, मैं एज अ मुस्लिम अपने धर्म पर क्या टिप्पणी करूंगा, ये मेरा एक निजी मामला है। टिप्पणी की नहीं, तारिक अहमद लारी ने कोई टिप्पणी की हो तो कहिए। परसों तक तो आप कह रहे थे मुलायम सिंह यादव जी से मेरे निजी संबंध रहे हैं, हमारे पिताजी के संबंध रहे हैं, अच्छी बात है। मेरा पॉइंट यही है, आप जिस पार्टी और जिस विचारधारा को बिलोंग करते हैं उसका नेता दीपावली की रात जब माता लक्ष्मी की पूजा होती है उनके बारे में इतनी अभद्र बात कहता है, क्या कार्रवाई करेगी समाजवादी पार्टी? स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर करेगी या नहीं करेगी, या लास्ट टाइम की तरह प्रमोशन मिल जाएगा? बताइए, किसी की अगर निजी बात पे हम लोग कार्रवाई करने लग जाए और हर पार्टी कार्रवाई करने लग जाए, माता सुधांशु जी को प्रधानमंत्री को पद से हटा देना पड़ेगा। ओके सुधांशु जी को पद से हटाना पड़ जाएगा। यू मेड योर पॉइंट, निजी टिप्पणी करने के लिए महादेव के ऊपर यार, कोई आचार्य प्रमोद कृष्णम समाजवादी पार्टी से भी क्या बाहर आएगा और बताएगा कहानी क्या है? सर इंडी गवर्नमेंट नहीं है, इंडी अलायंस नाम की कोई चीज नहीं है। पहली बात है, इंडिया नाम की कोई अलायंस नहीं है। इस अलायंस के बारे में तय किया जाएगा आफ्टर इलेक्शन, जो इन्होंने कांग्रेस से हम लोगों का धोखा किया है और जो ये भागे दुष्यंत भाई इसीलिए भागे हैं। ठीक है इसीलिए भागे हैं दुष्यंत भाई। देयर इज नो इंडिया अलायंस राइट नाउ। ओके ठीक है, ये कहानी आपकी पर्सनल है फिर। ओके सुधांशु त्रिवेदी, चलिए सुधांशु जी को बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, तो एक बात देखिए दर्शकों के सामने, एक अच्छा आपको स्पष्टीकरण मिल गया कि इंडिया एयरलाइंस जैसी कोई चीज नहीं है, और वो उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल के द्वारा मिल गया। ठीक है, एक पॉइंट तो ये स्पष्ट हो गया। और दुष्यंत जी, मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, जिस कारण से छोड़ के चले गए, मैं भागे शब्द नहीं कहूंगा जो लारी जी ने कहा, मगर छोड़ के चले गए, एक नहीं दर्जनों डिबेट है जहां वो कांग्रेस समर्थक के रूप में बैठे हैं, तो आज कांग्रेस समर्थक के रूप में उनको इतनी नाराजगी क्यों हो गई, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। तीसरी बात, लारी साहब ने जो बोला, अरे आपने तो अपनी बात कह दी, ये सच है, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पुत्री है संघमित्रा मौर्य, वो तो भाजपा में है, वो तो अपने पिता की बात मान नहीं रही है। गजब है ये आदमी भाई, अपने बेटे बेटी को कन्विंस नहीं कर पाता है और दुनिया भर में ज्ञान बांटता है, अद्भुत है ना? मतलब ऐसा आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जिसकी बेटी उसकी बात मानने को तैयार नहीं है और दुनिया से कह रहा मेरी बात मान लो। दूसरी बात कहना चाहता हूं जनाब, आपने ये बात कही कि आप महादेव के भक्त हैं, फिर भी विनम्रता कहूंगा थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा। अरे सर वरुण गांधी वाला तो मैटर क्लियर कर दीजिए, नहीं हो सकते हुए तो इस्लाम से खारिज हो सकते हैं,
इसलिए यह बात आपके लिए समस्याजनक हो सकती है, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। सर चिंता ना करिए, मैंने तीनों पॉइंट का आपका टेक्निकल उत्तर दे दिया। मेरी चिंता ना करिए, मैं अल्लाह को भाई मैं कह रहा हूँ ना, आपने कहा महादेव के भक्त है तो सोच समझ के बोलिएगा, फतवा तो ना जारी कर दे महादेव के भक्त ने। आप टीवी डिबेट में जोशो जुनून में बोल रहे हैं, मगर मैंने तो आपसे कहा ना, आपने साबित कर दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को उनके परिवार में कोई नहीं मानता है। इंडिया गठबंधन, ओके ओके, विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड, और इंडिया गठबंधन नहीं है, तीन आप विवेक श्रीवास्तव, इंडिया गठबंधन नाम की कोई अच्छा नहीं है, बहुत स्पष्ट हो गई, इसके लिए धन्यवाद। ओके विवेक, 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 लेट मी गेट विवेक, विवेक 30 सेकंड चाप, तारिक अहमद को आपका जवाब। विवेक जी, इंडिया नाम का कोई गठबंधन नहीं है, सिर्फ नाम मात्र रह गया। नहीं देखिए, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग मध्य प्रदेश में हुई। अरे क्या बात कर रहे हैं विवेक जी, और मिसअंडरस्टैंडिंग ही मिसअंडरस्टैंडिंग है। नहीं, सुन लीजिए, बोलने दीजिए, टोटल कंफ्यूजन है भाई। 2024 तक अमीश जी, मैं भी यही हूँ और आप भी यही है, बहुत सीनियर आदमी है आप भी खबरें सारी रखते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ बैठ के INDIA अलायंस जबरदस्त चुनाव लड़ेगा, और ये लड़ाइयां होती रहती हैं आपस में। स्टेट्स के इलेक्शंस थे, उसमें कुछ इश्यूज उठे, उसमें कुछ नाराजगियां हैं। मेरे भाई जो बैठे हैं समाजवादी पार्टी से, इनकी भावना का भी मैं सम्मान करता हूं, ये सब आयरन आउट होंगी। ये जो कॉमन एनिमी हमारा है, जो इस देश के संविधान को बदलने की कोशिश कर रहा है, और यहां धर्म गुरुओं का एक राज्य हिंदू राष्ट्र के नाम पे ये कायम करना चाहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है, इसके लिए सब एकत्रित होंगे, सब इकट्ठे हैं, ठीक है, वो कह रहे सब इकट्ठे हैं, सब साथ साथ है। एक सेकंड सुधांशु, देखिए अब इनकी आपसदारी की बात है, ये तहरीक अहमद तब एक साथ है, लेकिन ये कैसा एक साथ है, कोई किसी के साथ ही नहीं है। ये बात हुजूर आली, मैं खुद कह रहा हूं, हमारे साथ धोखा हुआ, समाजवादी पार्टी के साथ धोखा हुआ, तो अभी एक नेक्स्ट मीटिंग होने दीजिए, उसके बाद डिसाइड होगा कि समाजवादी इंडिया गठबंधन में है कि नहीं है। हाँ, ये कौन होते हैं डिक्लेयर करने वाले कि सब ठीक है और सब बढ़िया है और ये है। अखिलेश जी ने साफ कहा कि अभी कोई इंडिया गठबंधन नहीं है, इलेक्शन के बाद हम करेंगे, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है कांग्रेस ने। मैं कहता हूं आपके सामने, मैंने कहा कितनी बार, अभी दुष्यंत जी इसलिए चले भी गए, दुष्यंत जी इसीलिए चले भी गए, जानते थे इंडिया के नाम पे वो अभी कच्चा खाएंगे, इसीलिए वो चले गए। वो होशियार आदमी थे, क्योंकि हर जगह मुझसे सुन चुके हैं वो ये बात, और उस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता कि सबसे मुख्य विपक्षी दल, सबसे बड़ा दल और सबसे बड़े स्टेट के दल को कांग्रेस कहती है कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपने क्यों गठबंधन किया हमसे अगर हमारी हैसियत नहीं है। विवेक जी बताइए, तरीका नहीं होता, आप कौन होते हैं कहने वाले, तरीका नहीं होता है। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि विश्वासघात हमारा हुआ है, प्यार में धोखा उनके हुआ है, आप कह रहे हैं प्रेमी प्रेमिका का विवाह होगा। ऑन अ लाइटर नोट, देखिए ये देखिए आप बात को समझिए। नहीं, बिल्कुल ऑन अ लाइटर नोट आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी मैच्योरिटी, मैंने पहले भी आपको कहा था, ऐसे बहुत सी कंडीशंस हैं INDIA गठबंधन के अंदर, जो पहले, आज से नहीं, 30 साल की बात कर रहा हूं मैं आपसे, सेकुलर पार्टियों की, कि स्टेट्स में हम आपस में लड़ते भी हैं, सेकुलर पार्टी आप कह रहे हैं, इकट्ठे मिलकर के सरकार बनाते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम की कांग्रेस में हिंदू विरोधी बड़े बड़े हैं। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन मोटरोला फोन से मैं ट्वीट देख रहा हूं राजेश का, सनातन का विरोध विपक्ष के पतन का कारण बनेगा, मोटरोला फोन से मैं ट्वीट देख रहा हूं, रुकता हूं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर पे आऊंगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर आर पार, ब्रेकिंग स्टोरी ब्रेक के बाद हाजिर हो रही है, बहुत बड़ी। और देखिए एक और धुआं मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें, एक सफ़ेद रंग का धुआं आपको दिखाई देगा और एक काला धुएं का गुब्बार आपको दिखाई देगा। ये तस्वीर आप देख लीजिए, तस्वीर बिल्कुल जो इलाके हैं बॉर्डर के, वहाँ की ये तस्वीर नज़र आ रही है, जहाँ एक दूसरे पर हमला लगातार इसराइल और हिजबुल्ला कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, न्यूज़ 18 इंडिया सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर ग्राउंड जीरो से लगातार दिखा रहा है, जो जंग का मैदान दक्षिण लेबनान बना हुआ है, कल हसन नसरुल्ला की स्पीच के बाद, और जो हमले हैं वो तेज़ हो गए हैं। यहाँ पर ये पूरा इलाका आप देखेंगे, पहाड़ी इलाका है और जगह जगह अलग अलग पॉकेट में आपको घर नज़र आएंगे, और यही ठिकानों को निशाना बना रहा है इसराइल, को ये आशंका है कि यहीं से हमला हिजबुल्ला के जो लड़ाके हैं वो करते हैं। और देखिए दूसरी तरफ
लगातार जो धुआं है वो उठ रहा है। तो ये तस्वीर दक्षिणी लेबनान के हिस्सों की बनी हुई है, जहां इसराइल और हिजबुल्ला लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, और ये जो युद्ध है, ये जो हमले हैं, और बढ़ गए हैं हसन नसरुल्ला की स्पीच के बाद, क्योंकि हसन नसरुल्ला ने कहा कि जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक इसराइल की हार नहीं हो जाती। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर आईडीएफ यानी इसराइल डिफेंस फोर्स को जिस बात का डर था, अब वो होने जा रहा है। दरअसल गाजा की गलियों में घुस चुकी आईडीएफ के जवानों और टैंकों को हमास के लड़ाके रॉकेट लॉन्चर से लगातार निशाना बनाते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की स्थिति के बारे में हम आपको बताएंगे। पिछले 24 घंटे में हमास ने आईडीएफ की 25 से ज्यादा गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि हमास के खात्मे के बाद गाजा पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा और अनिश्चित काल तक ये कब्जा रहेगा, और तब इजराइल एक नया गाजा बनाएगा जिस पर उसका पूरा कंट्रोल होने जा रहा है। गाजा की गलियों में हमास के लड़ाके गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। हमास के इलाके में घुसकर उसके लड़ाकों का शिकार कर रही है आईडीएफ। खुले मैदान में खड़े होकर हमास को ललकार रही है आईडीएफ, और गाजा की गलियों में छिपकर आईडीएफ पर हमले कर रहे हैं हमास के लड़ाके। गाजा की वीरान हो चुकी गलियों में अब सिर्फ हमास बचा है, जिसे खत्म करने पहुंच चुकी है इजराइल डिफेंस फोर्स। उत्तरी गाजा से घुसी सेना अब पूरे गाजा शहर को अपने कब्जे में ले चुकी है। पूरे गाजा शहर को आईडीएफ घेर चुकी है, जिसका मतलब है कि अब गाजा शहर में मौजूद हमास के लड़ाकों के भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब उनके सामने आईडीएफ से लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन हमास के कायर लड़ाकों में ना इतनी हिम्मत है और ना ही इतनी ताकत कि वो आईडीएफ के सामने आकर उसे युद्ध के लिए ललकार सके। इसीलिए हमास की अल कासम ब्रिगेड की लड़ाके गाजा की गलियों में छिपकर आईडीएफ के जवानों और टैंकों को रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रहे हैं। गाजा में घुसकर हमास का सफाया करना इसराइल के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा है। आईडीएफ जानती थी कि गाजा में घुसने पर वो चौतरफा हमास के निशाने पर होंगी, उन पर कहीं से भी हमला हो सकता है, लेकिन यही तो इसराइल की पहचान है। इसराइल ने उस लड़ाई को आजादी की दूसरी लड़ाई का नाम दिया है और कहा है कि ये यहूदियों का वजूद बचाने की जंग है। इसीलिए तमाम खतरों के बावजूद आईडीएफ हजारों जवानों, स्नाइपर्स यूनिट, पैरासूपर्स और सैकड़ों टैंकों के साथ गाजा में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। शनिवार को आईडीएफ पर हमले का ये वीडियो जारी करते हुए हमास ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक इसराइल के 160 सैन्य वाहनों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इनमें से इसराइल के 25 से ज्यादा सैन्य वाहनों को पिछले 48 घंटों में तबाह करने का दावा किया गया है। تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري للعدو، منها أكثر من 25 آلية
خلال 48 ساعة الأخيرة في مواجهة غير متكافئة لكنها. हालांकि इजरायली सेना को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों में खुद हमास के लड़ाके ही मारे जा रहे हैं। इजरायली सेना का दावा है कि युद्ध की शुरुआत से अभी तक गाजा की तरफ से इजरायल पर दागे गए करीब 1000 रॉकेट गाजा में ही गिर गए, जिसमें गाजा के आम निवासी मारे गए। उधर इजरायल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर अपना प्राण दोहराते हुए कहा कि गाजा से हमास का नामो निशान मिटा देने तक इजरायल की सेना चैन की सांस नहीं लेगी। המלחמה נגד חמאס דאעש מתקדמת במלוא עוצמתה ויש לה מטרה אחת, לנצח. כוחות צהל השלימו את כיתור העיר עזה, הם פועלים בלב העיר, הם בפעתי בית החולים שיפה, הם חיסלו אלפי מחבלים, כולל מפקדים בכירים ורבי מרצחים שהיו בין אלה שהובילו את הטבח הנורא הזה ב... एक महीने की बमबारी में इजराइल ने गाजा को जिस पाषाण युग में पहुंचा दिया है, वहां से दोबारा सब कुछ सामान्य कर पाना अकेले गाजा वासियों के बस की बात नहीं है। इसीलिए इजराइल ने तय कर लिया है कि वो पहले गाजा की ईंट से ईंट बजाएगा और हमास का हर निशान मिटा देने के बाद नया गाजा बनाएगा। ऐसा गाजा जिसका कंट्रोल हमेशा के लिए इजरायल के हाथों में रहेगा और गाजा की धरती से फिर कभी एक भी रॉकेट इजरायल की धरती पर नहीं गिरेगा। קודם כל אני חוזר ואומר, שליטה ביטחונית כוללת עם יכולת להיכנס מתי שרוצים כדי לחסל מחבלים שיכולים לצוץ מחדש של צהל, של מדינת ישראל. עכשיו זה, אני יכול להגיד לך מה לא יהיה, לא יהיה חמאס. इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया है कि युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक हमास के 2000 लड़ाकों को ढेर कर दिया गया है, जिनमें हमास के सीनियर कमांडर भी शामिल थे। और जब तक गाजा में हमास का एक भी लड़ाका या कमांडर जिंदा है, तब तक गाजा का जर्रा जर्रा यूं ही दहलता रहेगा। और वहीं लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला आतंकियों को इसराइल की जंग और वहां पर तेज हो गई है और रविवार को हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल में रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल से हमले किए। और उसके बाद क्या था, उसके बाद इसराइल ने भी हिजबुल्ला के ठिकानों को हवाई हमले से तबाह कर दिया। न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और इसराइल के साथ साथ लेबनान से भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। लेबनान में मौजूद हमारी टीम इसराइल की बमबारी को अपने कैमरे में कैद करने में कामयाब हो पाई है। आप भी देखिए जरा बर्बादी की तस्वीर। काफर किला इलाके में न्यूज 18 इंडिया की मौजूदगी है और देखिए किस तरह से जंग का मैदान बना हुआ है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी ताज़ा लेबनान के इस काफर किला इलाके में इसराइल ने हमला किया है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से धुएं का गुब्बार अभी भी यहां पर उठ रहा है। आज लगातार इसराइल और हिजबुल्ला एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। काफर शोबा इलाके में भी हमने देखा और देखिए एक और धुआं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए एक सफ़ेद रंग का धुआं आपको दिखाई देगा और एक काला धुएं का गुब्बार आपको दिखाई देगा। ये तस्वीर आप देख लीजिए, तस्वीर बिल्कुल जो इलाके हैं बॉर्डर के वहाँ की ये तस्वीर नज़र आ रही है, जहाँ एक दूसरे पर हमला लगातार इसराइल और हिजबुल्ला कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, न्यूज़ 18 इंडिया सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर ग्राउंड जीरो से लगातार दिखा रहा है, जो जंग का मैदान दक्षिणी लेबनान बना हुआ है। कल हसन नसरुल्ला की स्पीच के बाद और जो हमले हैं वो तेज़ हो गए हैं। यहाँ पर ये पूरा इलाका आप देखेंगे पहाड़ी इलाका है और जगह जगह अलग अलग पॉकेट में आपको घर नज़र आएंगे और यही ठिकानों को निशाना बना रहा है इसराइल। को ये आशंका है कि यहीं से हमला हिजबुल्ला के जो लड़ाके हैं वो करते हैं। और देखिए दूसरी तरफ मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड प्रेजेंट आर पार में आज का मुद्दा। क्या वाकई हिंदू विरोध सियासी प्रयोग है, आज आर पार में हम वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, मैं सीधा मैजिक बॉल पे चलता हूं और देखते हैं अपने बयान पर कायम है स्वामी प्रसाद मौर्य। यानी ये बयान दिवाली वाली रात जब आप सब लोग अपने घरों में लक्ष्मी पूजन कर रहे थे,
सोच समझ के बयान दिया गया है। आज और बोला है, बोला किसी ने चार हाथ वाला व्यक्ति देखा है अभी तक, मैं चुनौती देता हूं। लेकिन हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं को चतुर्भुज कहा जाता है, अष्टभुज कहा जाता है। मैं सुधांशु त्रिवेदी का रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, ये प्लान स्ट्रेटेजी है जिसके तहत हिंदुओं के खिलाफ एक तरह की इस हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं, चाहे वो दक्षिण में स्टालिन हो उदयनिधि स्टालिन, चाहे वो उत्तर में स्वामी प्रसाद मौर्य हो समाजवादी पार्टी के नेता। और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो बहुत कुछ कह ही दिया है। योर रिएक्शन सुधांशु। देखिए, ऐसा था कि कांग्रेस के अंदर जब से एक बड़ा परिवर्तन आया है, नरसिम्हा राव के जमाने तक कांग्रेस जो कुछ भी करती थी कभी ओवर्टली यानी प्रकट रूप में अपने को हिंदू विरोधी दिखाने से परहेज करती थी। वो जो काम करना वो अंदर अंदर करते थे। जब से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का युग आया है, तब से आप देखें कि राम काल्पनिक का ऑफिशियल हलफनामा आया, हिंदू आतंकवाद जैसी फर्जी थ्योरी वो की गई, उसके बाद अनेक उसका अगर आप याद करें तो पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस के नेता वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्ष में खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि चुनाव के बाद तक शिफ्ट होना चाहिए, यानी सीधे सीधे धर्म को उन्होंने उससे जोड़ा। उसके बाद हम नहीं कह रहे हैं, ये तो एके एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट ने 2014 में कह दिया था पराजय के ऊपर कि बहुत ज्यादा मुस्लिम परस्त और एंटी हिंदू होने के कारण 2014 में दुर्गति हुई है कांग्रेस की अंदरूनी कमेटी। और जो उस समय उनके सर्वोच्च नेता मतलब वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर एके एंटोनी साहब ने लिखा था, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु ही नहीं है। और आज अगर आप देखें तो अब तो उनके बेटे भी इधर आ गए, यानी उनको बहुत साफ दिखाई पड़ गया था। इसलिए कांग्रेस का जो ये अब लेटेस्ट में आए तो हिंदू धर्म इरेडिकेशन के ऊपर ये सेमिनार कर चुके हैं, हिंदू शब्द को गंदा इनके सतीश जारकीहोली जो पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कर्नाटक के वो बोल चुके हैं, अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमिलनाडु में ये उस व्यक्ति के साथ रवि श्रीवास्तव फादर जॉर्ज पुनिया रवि श्रीवास्तव स्वामी प्रसाद मौर्या ये कांग्रेस की एक व्यवस्थित स्वामी प्रसाद मौर्या तो जो बोल ही रहे हैं वो हम सुन ही रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि हिंदू शब्द से कांग्रेस के कुछ नेताओं को नफरत है, और यहां तक उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो भगवान राम के मंदिर से नहीं श्री राम से ही नफरत करते हैं कांग्रेस के अंदर। देखिए अमीश जी, धर्म की अफीम चटा करके दो इलेक्शन जीत चुकी है भाजपा, मगर अब ये काट की हांडी अब चढ़ने वाली नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पत्नी में या अपनी बेटी में या अपनी माता में देवी नजर आती है तो देखे देवी नहीं तो दिखे देवी अपनी माँ में एक ठीक नहीं रवि रवि जी सुनिए, अपनी माँ में देवी दिखे, अपनी बेटी में देवी दिखे, अपने घर के हर व्यक्ति में उसको देवी देवताएं दिखे, लेकिन हमारे देवी देवताओं का अपमान क्यों कर रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य? हु इज ही, कौन है वो व्यक्ति जो हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहा है? अरे इनके बीजेपी के जो जितेंद्र प्रसाद जो मिनिस्टर फॉर साइंस है, उन्होंने भी पार्लियामेंट में यही कहा है कि जो ये राम सेतु की बात आज तक करते आ रहे हैं, जो एक सरकार का बयान था, कांग्रेस का जाति बयान नहीं था, वो उसके ऊपर जो ये कहते आ रहे हैं कि वो इमेजिनरी है, तो ये भी कह चुके हैं। अच्छा, कि कोई साइंस दूसरी बात अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी धर्म को अफीम बना रही है, लेकिन ये आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ लोग राम से नफरत करते हैं, कुछ लोग हिंदू धर्म से नफरत करते हैं? रवि जी सवाल का जवाब दीजिए। वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, कोई भी ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कांग्रेस भी उतनी हिंदुओं के साथ है जितने ये अपने आप को समझते हैं, ये अपने आप को। अरे ये थोड़ी बोल रहे हैं, ये कोई हिंदुओं के ठेकेदार है क्या? ये क्या कस्टोडियन है हिंदुओं के क्या? कांग्रेस भी हिंदू है भाई, वहां पे राहुल गांधी भी केदारनाथ जाते हैं, राहुल गांधी भी सोमनाथ जाते हैं, राहुल गांधी भी माँ काली के मंदिर में कामाख्या देवी में जाते हैं, तो क्या उसमें ये कौन से ठेकेदार हो गए? तो आचार्य जी कह रहे हैं ना, रवि जी आप पहले लंबी सांस लीजिए, रवि जी पहले आप लंबी सांस लीजिए। आपने नाम गलत सुन लिया, बीजेपी के किसी नेता ने नहीं बोला ये, रवि जी मैं बड़ी इत्मीनान से बोल रहा हूँ, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला है। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी तो हिंदू है, या आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या मुसलमान है? स्वामी प्रसाद मौर्य क्या मुसलमान है क्या? तो वो भी तो हिंदू है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस में कई नेताओं को हिंदू शब्द से नफरत है, कुछ नेताओं को भगवान राम से भी नफरत है? अपने धर्म के बारे में उनकी जो राय है वो उन्होंने धर्म के बारे में नहीं कांग्रेस के बारे में राय है सर।
धर्म के बारे में राय नहीं है, कांग्रेस के बारे में राय है। कांग्रेस के बारे में एक व्यक्ति की राय से कांग्रेस की राय नहीं बन जाती है, ठीक, कोई भी बयान दे सकता है। ये पॉइंट वैलिड है, एक व्यक्ति की राय कांग्रेस की राय नहीं हो सकती, दैट पॉइंट इज लिटिल वैलिड स्टिल। ओके सुधांशु जी, देखिए पहले बात मैं कहना चाहूंगा, इन बातों से अलग हटकर जब हमारी डिबेट खत्म हुई, एक कितनी गंभीर बात थी, लारी साहब ने जो एक बात कही, मैं लारी साहब की बात का समर्थन करता हूं। इस तथा कथित विपक्षी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के हिसाब से तो समाजवादी पार्टी है, जो कह रही है कि इंडी गठबंधन नाम की चीज नहीं है। और उसके पक्ष में कौन बोल रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव जी, जिनकी पार्टी का एक को एमपी नहीं है। मतलब मजे की बात यह, जिसके पास घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, वो आ गए ज्ञान देने के लिए। और यहां पर मैं एक और बात कहूंगा, दोनों के बीच में क्या सामंजस्य है? अरे मान्यवर, शांति शांति शांति, अपने अपने टर्न पे बोलिए, दर्शकों के साथ न्याय होता, वरना एक दूसरे पे बोलते हैं तो ढंग से आवाज नहीं जाती। प्रवक्ता ने आज सुनिए, अरे भाई तो सुनिए, अरे भाई भौजाई की बात बात नहीं करिए, पहले सुनिए भाइयों ने क्या बोला। अब मैं जवाब देना चाहता हूँ, रवि श्रीवास्तव जी और विवेक जी दोनों सुन लीजिए, पहले अपमान किसने शुरू किया? कमलनाथ का पहले बयान आया अखिलेश वखिलेश, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने सपा के लिए कहा मध्य प्रदेश में चिरकुट पार्टी, उसके बाद अखिलेश जी ने कहा चालू पार्टी। अमित जी जानते क्या हुआ? ये लोग सी फैक्टर में फंस गए। सी फैक्टर क्या है? दोनों क्रिमिनलाइजेशन, कास्टिज्म और करप्शन, इन तीनों पर दोनों पार्टियों में होड़ है। अब दो और सी फैक्टर आ गए, चालू एंड चिरकुट। अब मुझे डर है एक और बहुत बड़ा सी फैक्टर होता, कहीं वो शब्द ना बोलना शुरू कर दे एक दूसरे के ऊपर, उसकी कमी मुझे नजर आ रही है। तो अब मुझे लगता है कि उसमें कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी की तो कोई हैसियत नहीं बनती कि वो समझा सके। यदि ईमानदारी से कांग्रेस इनका साथ लेना चाहती थी तो कांग्रेस को अखिलेश वखिलेश वाले बयान पे, किसी भी नेता, हमारा घनघोर विरोध है, हम सपा को खतरनाक पार्टी मानते हैं, मगर इस ढंग का बयान जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य देते हैं वो निंदनीय है, इनको भी नहीं देना चाहिए था, और अगर दिया था तो उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है विवेक, विवेक श्रीवास्तव वो कह रहे हैं आपकी हैसियत ही नहीं है, आपका चक्कर में पड़े समाजवादी पार्टी, आप लोगों की कोई बात नहीं, ठीक है इनको हैसियत पता चल जाएगी। जी 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 हाँ, इनको नहीं मालूम है, अभी इनको नहीं मालूम है कि हरकिशन सिंह सुरजीत कौन थे और क्यों उन्हें चाणक्य ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स कहा जाता था। इनको ये भी नहीं मालूम है कि जो अच्छी अच्छी किताबें विचार वैज्ञानिक सोच की इन्होंने पढ़ी है स्कूल में, वो सब वामपंथियों द्वारा ही डिजाइंड थी। तो वामपंथ क्या है अभी इनको समझने में काफी टाइम लगेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई जो रवि जी ने बोला, ठीक है, अगर कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति किसी कोई भी प्रश्न उठाता है तो क्या आपकी आस्था इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है कि आपका पूरा फेथ स्ट्रक्चर हिल जाता है? आपके किसी धर्मगुरु ने आकर के बताया कि साहब जो आप कह रहे हैं गलत है या सही है? क्योंकि यह है तथ्य, आजकल आस्था बहुत हर्ट होती है साहब, फैशन हो गया जब से बीजेपी आई है, हमारे कोई पिक्चर नहीं पसंद, हमारी आस्था हर्ट हो गई, पिक्चर हॉल जला दो सर, यहां तक किताबें नहीं आती थी, सर आप भूल जाते हैं, आस्था की आस्था हर्ट हो गई, ये कितनी आस्था हर्ट होती है आपकी? सलमान रुश्दी की किताब क्यों नहीं आई थी हिंदुस्तान के अंदर? होने लगी है 2004 थी भाई, नहीं नहीं कितनी आस्था है इनका, इनका जो एक तरफ की आस्था आपको दिखाई नहीं देती, एक धर्म की आस्था आपको दिखाई नहीं देती, उसमें आंखें बंद कर लो। आस्था हर किसी की महत्वपूर्ण है, मैं इस मंच से कहना चाहता हूं सबकी आस्था महत्वपूर्ण है। अगर अगर कोई माता लक्ष्मी का अपमान करेगा तो मैं इसी लिहाजे में बोलूंगा, अगर कोई पैगंबर साहब के बारे में गलत बोलूंगा तो मैं इसी लिहाजे में बोलूंगा, कोई गुरु नानक देव के बारे में गलत बोलेगा तो मैं इसी लिहाजे में बोलूंगा, बिल्कुल जीसस क्राइस्ट के बारे में गलत बोलेगा तो मैं इसी लिए आज मैं बोलूंगा, लेकिन इस देश की 100 करोड़ आबादी माता लक्ष्मी की पूजा करती है, लेकिन उसी रात को अगर अपमान होगा तो ये देश सवाल पूछेगा, ये सवाल देश सवाल पूछना चाहिए देश को, अगर ये देश सवाल नहीं पूछता तो गलत करता है। फिर कमाल की बात कर रहे हैं आप, इतनी आपकी आस्था हो गई, अनुभूति इतनी आपकी आस्था हो गई, नहीं नहीं धर्म जो होता है सर नहीं होगा लोगों के लिए, धर्म अफीम अनुभूति के लिए होता है या दूसरे, लेकिन भारत के अंदर धर्म ही कर्म है आने के लिए। ओके सुधांशु त्रिवेदी, आस्था इतनी कमजोर हो गई स्वामी प्रसाद मौर्य पे? देखिए विवेक श्रीवास्तव जी को सोच समझ के बोलना हर चीज में आस्था, जो जो प्रतिनिधि, जी अरे भाई सुनिए विवेक जी, आप बोल चुके हैं, अभी साइंटिफिक पे भी जवाब देता हूं मेरे भाई, शांति से सुन लीजिए। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्म जिस जिस व्यक्ति को या जिस जिस
ईश्वर के प्रतिनिधि मानते हैं, महापुरुष या भगवान का दूत मानते हैं, कौन कैसे पैदा हुआ, कौन कैसे दुनिया छोड़ा, किसने क्या चमत्कार दिखाया, इससे चीजें भरी पड़ी हैं। और अगर आप साइंटिफिक की बात करते हैं विवेक जी, तो आपको पता है कि मदर टेरेसा को सेंटहुड मिला था। सेंटहुड की शर्तें आपने पढ़ी है क्या है, कि मरने के बाद उनकी आत्मा ने दो चमत्कार दिखाए होने चाहिए, और चमत्कार की डेफिनेशन में लिखी है इट शुड नॉट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। भाई जो मानना है माने, पहले नहीं मानना है ना, चमत्कार की शर्त थी। पोप जॉन पॉल सेकंड ने दो कर दिया। अब आप बताइए उस पर लिखा है इट शुड नॉट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। मेरे भाई बोलने की औकात हो तो बोलिएगा। अब आप गलत जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कुरकुरा चरी के गद्दी मैच के साथ आपको समस्या नहीं है, स्वामी प्रसाद सेंटहुड में समस्या नहीं है। आप साइंटिफिक बोलते हैं और मैं जवाब देना चाहता हूं हमारा साइंटिफिक क्या है। फिर लगातार बीच में बोल रही है, बदतमीजी बहुत करते हैं भाई, लगातार और दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लिए, फादर ऑफ रॉकेट साइंस कहा जाता है वर्नर वॉन ब्रॉन को, जिसने कि सबसे पहले रॉकेट इंजन बनाया था। वर्नर वॉन ब्रॉन अपना जिसको गुरु मानता था उसका नाम था हरमन ओबर्थ, और हरमन ओबर्थ ने यह लिखा है कि वो ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था। और ये कहां किताब में लिखा, नाम का नाम भी बताता हूं, इरिक वॉन डाइकन की किताब है चैरियट्स ऑफ गॉड, उसमें ही हैज कोटेड हरमन ओबर्थ हु इज द गुरु ऑफ द फादर ऑफ रॉकेट साइंस, जो सबसे बड़ी साइंस मानी जाती है। हमारे यहां इरविन श्रोडिंगर की किताब देख लीजिए व्हाट इज लाइफ, उसमें पूरा एक चैप्टर उपनिषदों के ऊपर है। वर्नर हाइजेनबर्ग ने लिखा है कि अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल उसने उपनिषदों से लिया। अरे सुनो यार, नील्स बोर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, इसमें मत बोलिए। और आप तो नहीं बता पाए साइंटिफिक के ऊपर। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं यार, कहां कम्युनिस्ट साइंटिस्ट एक हो गए, कम्युनिस्टों का साइंस को लेना देना था, कम्युनिस्टों का तो सोसाइटी के खिलाफ लेना देना था। बता दिए ना जो मैंने बोला, बताइए किसी दूसरे में, किसी धर्म ग्रंथ को किसी वैज्ञानिक ने कोट किया हो, और वो भी उस वैज्ञानिक ने जो मुझे को ना मानने वाला, और मैंने जो चारों नाम बताए। माफी चाहता हूं आपके साथ तारिक अहमद, आपके पास नहीं आऊंगा, लेकिन आर पार में अब बात सत्य और तथ्य की होगी। देखिए आस्था आस्था है, और अब बात पोल्यूशन की करनी पड़ेगी, और दिल्ली एनसीआर की हवा सांसों के लिए मुसीबत बनी हुई है। आजकल घर से बाहर निकलने का मतलब बिन बुलाई बीमारियों को दावत देने जैसा है। प्रदूषण पर कंट्रोल करना किसी एक व्यक्ति, व्यवस्था या सरकार शासन की जिम्मेदारी नहीं है। ये समस्या सबने मिलकर फैलाई है, और इसका समाधान भी कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ ही देखना होगा। लेकिन ये देखकर काफी तकलीफ होती है, प्रदूषण जैसे मुद्दे पर भी पॉलिटिक्स होने लगती है, लोगों का दम घुट रहा है, और जिन्हें पॉलिसी बनानी है वो तू-तू मैं-मैं में बिजी है। अब तो पूरी दुनिया जानती है कि अक्टूबर के महीने से दिल्ली में हर साल गैस चैम्बर जैसे हालात हो जाते हैं, और हर साल ये भी तय है कि पहले दशहरा और फिर दीपावली इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। खाना पूर्ति के लिए की जाती है, इस बार भी यही हो रहा है। दिवाली बीतते ही पूरी सेकुलर ब्रिगेड निकल गई और बोलने लगी दीपावली जिम्मेदार है, जैसे उससे पहले मौसम बहुत साफ था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने टीवी के कैमरे पर आए और कहा, और साफ कहा कि दिवाली के पटाखों ने हालात को बिगाड़ दिया, उससे पहले क्या हालात थे। इसके बाद गोपाल राय ने यूपी हरियाणा की सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए, पंजाब पे चुप हो गए। हरियाणा और यूपी से पटाखे दिल्ली पहुंचाए गए, ये कहा पुलिस ने जानबूझकर सख्ती नहीं बरती, इसलिए प्रदूषण हो गया। अब वार होगा तो पलटवार भी होगा, तो लाजमी है। बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को हिंदुओं के त्योहारों से नफरत है। खैर सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन इस मुद्दे की सेंसिटिविटी को समझना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि दिवाली से पहले भी दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ था, तो केवल पटाखों का दोष नहीं है। दूसरी बात यह है कि पूरे साल यानी दिवाली से पहले सरकारें वो कौन से कदम उठाती हैं जिससे प्रदूषण ना हो, इस पर भी ईमानदारी से सोचना पड़ेगा। पंजाब में पराली क्या बंद हुई, ये सच है कि 13 नवंबर की सुबह 12 बजे के बाद दिल्ली का AQI में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन दिन के निकलने के बाद इसमें गिरावट भी दर्ज की गई। यानी प्रदूषण सिर्फ पटाखों के दिन की देन नहीं है, इसके लिए कई और बड़े फैक्टर्स हैं जिन पर पूरे साल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए किसी भी त्योहार को निशाना बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बड़ा आसान है कि प्रदूषण हो तो दिवाली के सिर ठीकरा फोड़ दो, पानी की किल्लत हो तो होली को जिम्मेदार ठहरा दो, और तो रक्षाबंधन पर पेटा लेदर फ्री राखियों का इस्तेमाल ना करने की सलाह देता है। अब आप ही सोचिए कि आपने कब लेदर वाली राखी पहनी थी या बांधी थी।
प्रदूषण रहित वातावरण हम सबका अधिकार है, वातावरण को स्वच्छ रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है और इसके लिए नीतियां बनाना सरकारों का काम है, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में हिंदू त्योहारों पर सवाल उठाना बंद होना चाहिए, क्योंकि बकरी ईद की बात होती है तो सेकुलरिज्म की दुहाइयां दी जाने लगती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ऐसी ही भावनाएं दीपावली मनाने वालों की भी तो है। इसलिए से नो टू क्रैकर्स, से नो टू वाटर इन होली बोलने की बजाय कहिए वी विल फाइंड अ वे एंड वी विल वर्क टुगेदर ताकि अगली दिवाली प्रदूषण से आजादी वाली हो। इसलिए त्योहारों पर सबका हक है, दिवाली सिर्फ जिम्मेदार नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। नमस्कार, फिलहाल पार पार में इतना।